हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द रैट ट्रैप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आयरन मास्टर की बेटी, जिसका नाम एडला बिलमेंसन था, वह इतना मित्रतापूर्वक रैट ट्रैप सेलर को मनाती है, रिक्वेस्ट करती है कि यह रैट ट्रैप सेलर काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है और इसे भी अब कोई खतरा नजर नहीं आता है और यह भी जाने के लिए, मीन्स एडला बिलमेंसन के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह क्या जवाब देता है? इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ मिस, ही सेड। उन्होंने कहा, किसने कहा? रैट ट्रैप सेलर ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाइएगा। आई विल कम एट वंस, मैं जरूर आऊंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एडला बिलमेंसन के साथ एक नौकर भी आया था और उस नौकर के पास एक फर का कोट था और वह फर कोट अब रैट ट्रैप सेलर एक्सेप्ट कर लेता है। विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बाव, और काफी इज्जत पूर्वक सत्कार करते हुए झुक करके वह जो नौकर था वह रैट ट्रैप सेलर को देता है 3 feet ओवर हिज रेग्स। और चूंकि ऑलरेडी जो फटा चिटा कपड़ा पहना था उसके ऊपर अब फर का कोट या रैट ट्रैप सेलर पहन लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और यंग लेडी को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे वह गाड़ी की ओर आता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, और वहां पे जो ब्लैक स्मिथ था उसको एक झलक भी नहीं देखता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस सी हैड अवेल फॉर बोर्डिंग्स, लेकिन जब वह मैनर हाउस की ओर आ रहा था गाड़ी में चढ़ करके, कैरेज में चढ़ करके, तो वह क्या सोचता है? Why the devil did I take that fellow's money? तो उसे अब फिर यह रियलाइज हो रहा है, फिर पछतावा हो रहा है, फिर वह अपने पुराने बातों को याद करके या अफसोस कर रहा है कि मैंने उस व्यक्ति का पैसा क्यों चुराया जो वह 30 kronor चुराया था। अगेन एंड अगेन वह सेम बात को सोचता है और बार बार सोच करके वह अफसोस व्यक्त करता है कि आखिर मैंने उसका पैसा क्यों चुराया। Now I am sitting in the trap and will never get out of it, और अब उसे लगता है कि मैं अब जाल में फंस गया हूँ और मैं इससे बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगला ही दिन क्रिसमस ईव था। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यह 24 दिसंबर की बात कही जा रही है। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और अब यह मैनर हाउस में पहुंच चुका है, मीन्स आयरन मास्टर के घर में पहुंच चुका है। और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आए फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंट, और चूंकि उसका जो एक गलत फहमी हो गया था, वह आयरन सॉरी रैट ट्रैप सेलर को वह अपना पुराना ओल्ड अक्वेंटेंस समझ लिया था, नील्स ऑलफ समझ लिया था जो कि रेजिमेंट में था, तो वह काफी संतुष्ट था कि चलो बहुत दिन के बाद उसे अपना पुराना दोस्त से मुलाकात हुआ है, उसका पुराना दोस्त उसके घर में आए हुए हैं। तो रैट ट्रैप सेलर को देख करके वह काफी सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया। अभी तक वह नहीं समझ पाया है कि वाकई में यह रैट ट्रैप सेलर है, अभी तक वह इसे नील्स ओलफ अपना ओल्ड अक्वेंटेंस पुराना दोस्त ही साथी समझ रहे हैं, होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, फ्लेश मीन्स होता है मांस और बोन्स मीन्स होता है हड्डी। तो चूंकि यह रैट ट्रैप सेलर काफी पतला दुबला था, तो यह आयरन मास्टर कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इसमें कुछ मांस लाना पड़ेगा, मीन्स इसका अच्छा से ख्याल ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा से इसको खाना खिलाना पड़ेगा ताकि इसका जल्द से जल्द इसमें थोड़ा मांस भर आए या थोड़ा मोटा तगड़ा हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, ऐसा उन्होंने अपने बेटी से कहा। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल में बिजी था। स्वाभाविक है कि आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप टेबल पे अच्छे से निगरानी करें कि टेबल में खाना नाश्ता वगैरह सारा सही सलामत है या नहीं, सारे चीज का व्यवस्था है कि नहीं। तो ठीक वही काम इसके बेटी एडला बिलमेंसन भी कर रही थी, वह बिजी थी टेबल में, वह नाश्ता वगैरह लगा रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू,
और उसके बाद इसके लिए कुछ दूसरा उपाय भी कर रहे हैं, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं इसके प्रोफेशन के लिए, इसके व्यवसाय के लिए, इसके काम के लिए, टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेट रैप्स, ताकि या जो कंट्री सेलिंग जो घूम घूम करके या रेट रैप्स चूहादानियां जो बेचा करते थे, तो उस चीज से इसे छुटकारा मिल जाए, इसके लिए काम का भी ये लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इट इज क्वेयर दैट थिंग्स, क्वेयर मीन्स होता है विचित्र, तो ये काफी विचित्र बात था। इट इज क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। उसके उसकी डॉटर एडला बिल मेंशन ने कहे कि इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। इसकी बेटी कह रही कि मैं कभी सोची भी नहीं थी कि या कभी पढ़ा भी होगा या एजुकेटेड भी होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तभी उसके पिताजी मीन्स आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें पेशेंस, धैर्य रखना होगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, और जैसे ही इसको क्लीन कर दिया जाएगा और नया नया कपड़ा पहनाया जाएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तब तुम इसमें कुछ डिफरेंट, कुछ अंतर देखोगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, और पिछला रात यह काफी एम्बेरेस्ड, काफी शर्माया हुआ था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ द ट्रैम्प क्लोथ्स। और इसके पिताजी इसके अपने बेटी को समझा रहे हैं कि इसका जो ट्रैम्प मैनर है, मीन्स इसका जो बुरा व्यवहार है, वह भी चला जाएगा इसके ट्रैम्प क्लोथ के साथ। जैसे ही इसका जो फटा चिटा कपड़ा इसके शरीर से हटा दिया जाएगा, इसको अच्छा से तैयार किया जाएगा, तो इसका जो व्यवहार है, इसका बुरा व्यवहार भी इस कपड़े के साथ चला जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। और इतना इन्होंने कहा ही था कि दरवाजा खुलता है और वह स्ट्रेंजर मीन्स रेट्रेप सेलर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, और वह बिल्कुल अब क्लीन थे, साफ थे, एंड वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छा ड्रेस भी पहने हुए थे। द वैलेट हैड बाथ हिम, उसका जो नौकर था वह इसे अब नहा दिया था, बाथ का भी टू बाथ है ना, कट हिज हेयर, इसका बाल भी कटिंग कर दिया गया था, एंड शेव्ड हिम, इसका दाढ़ी भी बना दिया गया था। मोर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और एकदम इसका जो लुक एकदम अच्छा लग रहा था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और जो क्लोथ था आयरन मास्टर का, वह क्लोथ अब दे दिया गया था किसको, रेट्रेप सेलर को। ही वॉर अ व्हाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच कॉलर एंड होल शूज, अब यह एक व्हाइट शर्ट पहना, एक स्ट्रेच कॉलर वाला और होल शूज, बहुत ही अच्छा किस्म का जूता पहना। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ एज वेल एज ग्रूम, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। भले वह बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, सजा धजा, लेकिन जो आयरन मास्टर थे वह प्लीज मतलब खुश नजर नहीं आ रहे थे। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, वह काफी गुस्से के साथ इसको देखते हैं। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, और अब इसका पर्दाफाश होने वाला है। और अब आयरन मास्टर को यह समझ में आ गया कि चूंकि फर्नेस में भट्टी में लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, जिसके वजह से वह इसके फेस को अच्छा से नहीं देख पाए थे, और उस अंधेरे में इसके साथ गलतफहमी हो गई, और जिसको यह अपना पुराना दोस्त समझ रहे थे, वो एक्चुअली में इसका पुराना दोस्त नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू।